गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फेस स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसे ही सभी को पता है, हमारी वीडियो आती है सुबह सुबह 10 बजे और वीडियो स्टार्ट हो गई है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। लगभग 1 घंटे की वीडियो रहती है और हम 1000 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, जो कि आज लास्ट रहेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, और आने वाला जो भी एग्ज़ाम है, जैसे कि RRB, अगर RRB NTPC रहेगा या ग्रुप सी है उसके लिए भी, और अगर आप SSC के लिए पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल SSC के लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, जितने भी स्टूडेंट्स आ जाइएगा, वीडियो मैंने स्टार्ट कर दी है। ओके, थोड़ा वेट करेंगे स्टूडेंट्स का, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, बिल्कुल हम जो है वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से वीडियो को आगे बढ़ाएंगे भाई। चलिए वीडियो, ओके, थोड़े स्टूडेंट्स को आने दीजिए फ्रेंड्स, बिल्कुल वीडियो आगे बढ़ाएंगे। पहला क्वेश्चन तो आपके स्क्रीन पर लग चुका है, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ओके, क्या पूछ रहा है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, हीरे कैरेट के रूप में तोला जाता है। ओके, तो आपको बताना 1 कैरेट कितने के बराबर था। ये हमारा कल का लास्ट क्वेश्चन था, तो फ्रेंड्स आई थिंक ये सभी को पता होगा। चलेंगे, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स जो है आते हैं। चलिए कमेंट करिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से। चलेंगे, सभी लोग बताएंगे, थोड़ा मैं वेट कर रहा हूँ फ्रेंड स्टूडेंट्स का आने का। जिस स्टूडेंट्स आएंगे उसी प्रकार से हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे, सभी लोग आंसर बताएंगे भाई, क्या रहने वाला इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग आंसर देंगे, कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। ओके, इसका आंसर रहेगा 200 मिलीग्राम। क्या रहेगा? 200 मिलीग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है? आपको बताना है इनमें से कौन सा लौह अयस्क है, आंसर कमेंट करेंगे। चलिए सभी लोग बताइएगा क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं किस किस का आंसर रहेगा फ्रेंड। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे सभी लोग। ओके, यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ग्रेनाइट और लिग्नाइट, ठीक है। ग्रेनाइट और लिमोनाइट, ठीक है, ये दोनों कैसे रहेंगे, जो लोह अयस्क रहेंगे, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, एक ड्यूअर फ्लास्क का उपयोग कहाँ पर किया था है? मैं किया जाता है। चलिए आंसर देंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे भाई, थोड़ा जनरल साइंस क्वेश्चन है। चलिए आंसर दीजिएंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट करिए। और वेरी गुड गुड मॉर्निंग सभी के लिए, ठीक है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, तरलीकरण वायु जमा करने में, यानी कि स्टोर लिक्विड फायर एयर को स्टोर करने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये सारा चीज़ आपको लिखी हुई है यहाँ पर, तो इसको पढ़ सकते हैं। चलेंगे अगला क्वेश्चन। ओके, प्लूटोनियम परमाणु बम का उपयोग या उत्पादन, सॉरी उपयोग नहीं, उत्पादन से किया जाता है। प्लूटोनियम बम जो है किससे उत्पादन किया जाता है या फिर बनाया जाता है? चलेंगे, सभी लोग बताएंगे भाई क्या रहेगा आंसर, कमेंट करिए, देखते हैं किस किस का आंसर आता है। सबसे पहले चलेंगे, आंसर कमेंट करिए, आंसर दीजिएगा फ्रेंड। वीडियो स्टार्ट हो गई हमारी। ओके, मान लीजिए, वेरी गुड गुड मॉर्निंग, ठीक है। ऑप्शन बी आ रहा है, वेरी गुड। एनीवन, कोई आंसर कमेंट करेगा भाई, यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन का आंसर? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यूरेनियम 238। चलेंगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, बिल्कुल मान लीजिए, गुड मॉर्निंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके पास। ओके, एक सुरक्षित माचिस की नोक किससे बनी होती है? चलेंगे, सभी लोग बताएंगे भाई। चलिए बताइए फ्रेंड्स क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर है, देखते हैं कौन कौन आंसर कमेंट करेगा। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे सभी लोग, आंसर बताएंगे भाई यहाँ पर क्या रहेगा। और वीडियो सुबह सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाती है, आप सभी को पता है। चलिए कमेंट करिए क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, उपरोक्त सभी, यानी कि एंटोमोनी सल्फाइड, ठीक है, गोंद और पाउडर ग्लास आपको पता है, और पोटेशियम क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन डी, ऑल ओवर, बिल्कुल। चलेंगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे।
गेमिस का क्या है? गेमिस किसन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के महत्वपूर्ण यौगिक कौन से हैं? आंसर कमेंट करिएगा क्या रहने वाला इस क्वेश्चन का। सभी लोग बताएंगे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन स्क्रीन पर है, चलिए आंसर दीजिए। ओके, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, क्लोरीन। क्या है महत्वपूर्ण इसका यौगिक? क्लोरीन रहेगा। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन। इसके बारे में सारा चीज़ें लिखी है, डीडीटी के बारे में, फिर ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गर्म करने पर उर्ध्वपातन से गुजरता है? सबलिमिनेशन से गुजरता है। आंसर देंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे। वेरी गुड, मान लीजिए एनी वन कोई और आंसर कमेंट करेगा यहाँ पर, क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए सभी लोग आंसर देंगे, कमेंट करेंगे भाई क्या रहेगा। आंसर दीजिए, कमेंट करिए, सभी लोग बताइए क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑल अबव, यानी कि ए बी सी, और यहाँ पर तीनों रहेंगे आंसर। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने। इनमें से कौन सा रस अग्नाशय से स्त्रावित होता है? कौन सा रस जो होता है वो अग्नाशय से स्त्रावित होता है, या फिर पेंक्रियास से स्त्रावित होता है, सीक्रेट होता है। चलेंगे सभी लोग बताएंगे भाई, चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए फ्रेंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो यहाँ आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 4, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन, बिल्कुल दोनों ऑप्शन ए और बी रहेगा। बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया मानवी जी, गुड मॉर्निंग पांडे जी, बहुत बढ़िया। चलिए अगला, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को, वाक्य पर आपको थोड़ा पढ़ना है इनको, ठीक है, ये सारे पढ़ने के बाद आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। चलेंगे सभी लोग बताएंगे इसमें से कौन सा सही आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई क्या होने वाला है क्वेश्चन का आंसर। चलिए आंसर देंगे, सभी लोग आंसर बताएंगे। फ्रेंड्स सुबह सुबह मेरी वीडियो जो रहती है हमारी, वो रहती है 10 बजे की, ठीक है। ओके, सभी से मैं बोलूँगा भाई 10 बजे जो रहता है, या तो आप आ जाइए या फिर जो है जो नोटिफिकेशन उस पर दबा कर रखिए, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे सभी लोग, बताएंगे भाई क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। ओके, पांडे या ऑल ऑफ बोल रहे हैं, फोर्ड यहाँ पर रहेगा, ऑल ऑफ, बिल्कुल सही है। सभी के सभी कैसे हैं? सही है, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग यादव जी, बिल्कुल सभी के लिए गुड मॉर्निंग। यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है, ठीक है, अलग, बिल्कुल सही मान में जी, बहुत बढ़िया। थोड़ा स्लो स्लो चल रहा है अभी, क्योंकि स्टूडेंट्स कम हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, पौधे में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित होता है, पौधे में कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या संग्रहित होता है या फिर स्टोर होता है? आंसर देना है, कमेंट करना है। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई, देखते हैं किस किस का आंसर आएगा, कमेंट करिए। पांडे जी ऑप्शन 2, वेरी गुड। एनी वन प्रियंस कमेंट करेगा, चलिए आप लोग आंसर दीजिए, कमेंट करिए। ओके, स्टार्च आ रहा है, बिल्कुल सही है। क्या रहेगा भैया? स्टार्च रहेगा, पौधे में कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टार्च रहता है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए बिल्कुल सही है। ओके, अगला क्वेश्चन यादव जी, स्टार्च है वो ह्यूमन में होता है भैया, वो चीज जो आप बता रहे। ऑप्शन, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये रहा आपके सामने। प्रोटीन संश्लेषण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? प्रोटीन संश्लेषण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, या नाइट्रोजन का? चलिए कमेंट करिए, आंसर दीजिए, कितने स्टूडेंट का देखते हैं आंसर आता है। चलिए कमेंट करेंगे और आंसर बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स आंसर दीजिए, कमेंट करिए क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, पांडे जी ऑप्शन 2, ओके, मानवी ऑप्शन 1, वेरी गुड। एनी वन को आंसर कमेंट करेगा भाई, यादव जी ऑप्शन 1 बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर 4, नाइट्रोजन। क्या रहेगा भाई? नाइट्रोजन रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बारे में लिखा हुआ है ये। अगला क्वेश्चन, राजकुमार सलीम सम्राट का नाम क्या था? चलेंगे आज आंसर बताएंगे भाई, प्रिंस सलीम का नाम क्या था? आंसर देना, कमेंट करना भाई। चलिए कौन आंसर कमेंट करेगा, देखते हैं किसका आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 12 नंबर क्वेश्चन है। ओके, पांडे ऑप्शन 3, वेरी गुड। एनी वन कोई और आंसर कमेंट करेगा भाई? ओके, जागी, ओके, थर्ड आ रहा है पांडे जी, ओके, वेरी गुड। वन भी आ रहा है, जागी, बहुत सही। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई, क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर 3, जागी, बिल्कुल सही पांडे जी, मान लीजिए, बहुत सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, किस समिति ने, बिल्कुल यादव जी, किस समिति ने BCCI के कामकाज और संरचना के बदलाव की सिफारिश करी है? चलेंगे सभी लोग बताएंगे भाई क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए बताइए फ्रेंड्स क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर, दीजिए कमेंट करिए भाई क्या रहेगा। यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर 4,
लोढ़ा समिति ऑप्शन, बिल्कुल मानवी जी, बहुत बढ़िया पांडे जी, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर है। चलिए ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं आपको, राकेश जो है जस्टिस कौन है, ठीक है ओके, और राकेश मोहन कौन है, विवेक दुबे कौन है, सभी के बारे में लिखा है, मतलब ये समितियों के बारे में लिखा हुआ, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने, निम्न में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक है, आंसर देना है, कमेंट करना है, संस्थापक कौन है किसके, प्रार्थना समाज के। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए क्वेश्चन हैं, चलिए आंसर दीजिए। कमेंट करिए फ्रेंड्स क्या रहेगा, और ये आज जो है 1000 क्वेश्चन की लास्ट वीडियो है, ठीक है इसको पूरा करेंगे। मामी ऑप्शन बी आ रहा है यहाँ पर, एक ऑप्शन बी बिल्कुल सही पांडे जी, ये रहेगा आत्मराम पांडुरंग, क्या रहेगा आत्मराम पांडुरंग, बिल्कुल सही। चलेंगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, समितियों के बारे में लिखा है आपको बात, ठीक है अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे ये आपके सामने, अफ्रीका के घास के मैदानों को किस के रूप में जाना जाता है, चलिए आंसर कमेंट करेंगे फ्रेंड्स, देखते हैं किसका आंसर आएगा ओके। चलिए कमेंट करिए आंसर दिए, अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं, आंसर देना है, कमेंट करना भाई क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर, चलिए आंसर दीजिए कमेंट करिए। चलेंगे सभी लोग आंसर बताएंगे भाई क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर, ओके पांडे ऑप्शन थर्ड, वेरी गुड, एनी वन कोई और आंसर कमेंट करेगा, बहुत बढ़िया, बहुत सही मान में जी, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सभी, अमन जी, अमर जी बहुत ओके, अमन जी बहुत बढ़िया, यहाँ पर रहेगा सवाना बोलते हैं, क्या बोलेंगे भाई, सवाना बोलेंगे, ठीक है पंपास नहीं बोलेंगे भाई, सवाना बोलेंगे। तो देखिए बता देता मैं आपको, अफ्रीका के जो घास के मैदान होते हैं उसको सवाना बोलते हैं, USA के जो रहते हैं उसको प्रेरी बोलते हैं, अमेरिका के पंपा, अमेरिका को पंपास बोलते हैं, और केंद्रीय यूरोपियन के घास के मैदान को स्टेपियन बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया घास को बोलते हैं डाउंस, ठीक है ये चार ऑप्शन थे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे ये आपके सामने, केंद्रीय बजट हमेशा पहले प्रस्तुत किया था, चलिए आंसर दिए, पहले किसमें पेश किया जाएगा, केंद्रीय बजट कहाँ पर पेश किया था सबसे पहले, चलेंगे सबसे आंसर देंगे कमेंट करेंगे क्या रहेगा क्वेश्चन का, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आएगा, चलिए कमेंट करिए और आंसर दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, चलिए आंसर दीजिए ओके पांडे ऑप्शन वन, वेरी गुड, एनी वन कोई और आंसर कमेंट करेगा भाई क्या आएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन स्क्रीन पर, चलेंगे सभी लोग बताएंगे भाई, चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिए क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, आंसर दीजिए कमेंट करिए भाई क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर, यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन वन लोकसभा, बिल्कुल सही पांडे जी, बहुत सही आंसर है लोकसभा रहेगा, बहुत बढ़िया बिल्कुल सही पांडे जी, बहुत बढ़िया यादव जी बिल्कुल सही है, अमन जी बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर एस्चुरी का नाम क्या है, आपको बताना है भारत और पाकिस्तान की सीमा पर एक एस्चुरी है उसका नाम बताइएगा, कमेंट करिए, चलिए देखते हैं किसका आंसर आएगा, चलिए देखते हैं किसका आंसर से पहले आता है, कमेंट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ये एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, चलिए कमेंट करिए, ऑप्शन टू आ गया, वेरी गुड पांडे जी, एनी वन कोई और आंसर कमेंट करेगा यहाँ पर क्या आएगा आंसर, ओके अमन जी ऑप्शन बी बहुत अच्छे, चलिए चार स्टूडेंट देख रहे हैं, मात्र दो से तीन स्टूडेंट के आंसर आ रहे हैं, चलिए कमेंट करिए फ्रेंड क्या रहेगा, यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर टू यानी कि सर्क्रे, क्या बोलेंगे भाई सर्क्रे, याद जी बिल्कुल सही मान लीजिए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है, चलेंगे आंसर देंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए आंसर दीजिए कमेंट करिए, भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, चलेंगे आंसर देंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए आंसर दीजिए ओके पांडे ऑप्शन डी, वेरी गुड, एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, चलिए आंसर दीजिए कमेंट करिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, अमन जी ऑप्शन डी वेरी गुड, एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई बिल्कुल सही, क्या रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस, क्या रहेगा इसमें से कोई तय नहीं है कि उसकी आयु कितनी रहेगी, उनकी पार्टी पर निर्भर करेगा, वो कितनी बार भी जीतेगी तो उसको प्रधानमंत्री बना सकती हैं ओके, जैसे कि नरेंद्र मोदी जो है दूसरी बार बने ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा कहाँ पर है, चलिए आंसर दीजिए कमेंट करेंगे, बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है, चलेंगे सभी लोग आंसर देंगे भाई क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, चलिए आंसर दीजिए कमेंट करिए, बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है, चलिए कमेंट करिए ओके ऑप्शन थर्ड पांडे जी बहुत अच्छे, एनी वन कोई और आंसर कमेंट करेगा भाई क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग बताएंगे भाई क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा यूपी बिल्कुल सही है, मान लीजिए बहुत बढ़िया पांडे जी बिल्कुल सही है, यूपी बिल्कुल सही रहेगा, बहुत सही ओके। चलिए जो देखिए अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा जो है वो बनाया गया था उत्तर प्रदेश में, ठीक है 1601 ईस्वी में। चलेंगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम संसद के सदस्यों के अयोग्यता के लिए प्रदान करता है, चलेंगे सभी लोग बताएंगे भाई क्या रहेगा, देखते किसका आंसर आएगा,
चलिए सबसे पहले देखते हैं किसका आंसर आएगा। चलिए कमेंट करिए, आंसर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अमन जी, यादव जी, मानी जी, पांडे जी, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे भाई। ओके पांडे, ऑप्शन टू, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई, कौन सा अमेंडमेंट रहेगा यहाँ पर? ओके यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर टू, बिल्कुल सही पांडे जी, बहुत बढ़िया। 52 वाला अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन नंबर 52, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यानचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? बिल्कुल अमन जी, बिल्कुल सही है पिछले क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर दिए ध्यानचंद जी हैं, उनका जन्म कहाँ पर और कब हुआ? चलेंगे आंसर कमेंट करेंगे भाई, क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर? ओके पांडे, ऑप्शन फोर, वेरी गुड। एनी वन? ओके पांडे जी, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अमन जी, ऑप्शन डी, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई? ओके मानवी जी, ऑप्शन डी आ रहा है फिर से। ओके देखिए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उत्तर प्रदेश रहेगा, हरियाणा नहीं है भाई, उत्तर प्रदेश बिल्कुल करेक्ट करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे यार आपके सामने, जब लाल गर्म कोक पर बांस पारित की जाती है या किया जाता है तो हमें क्या मिलता है? चलेंगे सभी लोग कमेंट करेंगे क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आंसर दीजिए कमेंट करेंगे। चलिए आंसर दीजिए फ्रेंड, क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर? ओके पांडे, ऑप्शन वन, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा? यहाँ पर रहेगा ऑप्शन वन, ये भाप गैस रहेगी, वाटर गैस इसे बोलेंगे, क्या निकलेगी? वाटर गैस हमें प्राप्त होगी। चलेंगे अगला, इसके बारे में सारा कंपोजिशन लिखा है किस प्रकार से ये निकलेगा, ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल सही है। चलेंगे अगला क्वेश्चन, 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप आपको बताने की वजह से उसी तापमान पर पानी की तुलना में अधिक गर्म, अधिक जो गंभीर जलन करता है, तो चलिए आंसर दीजिए ऐसा क्यों है? चलेंगे सभी लोग बताएंगे भाई क्या कारण है जो है आपको 100 डिग्री सेल्सियस से पानी से ज़्यादा गर्म जो रहती है वो भाप भाप रहती है, फिर स्टीम रहती है। चलेंगे कमेंट करेंगे सभी लोग, बताइए फ्रेंड क्या रहेगा? ओके अमन जी, यादव जी, पांडे जी, चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिए, मान में आंसर दीजिए। यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर फोर, भाप की भाप अधिक ऊष्मा प्रदान करता है, डी बिल्कुल सही है मानव जी। ओके पांडे जी, ओके यहाँ पर अमन जी बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन, सिरका में मौजूद कार्बनिक एसिड है, सिरका में मौजूद कार्बनिक एसिड क्या है? आंसर देना, कमेंट करना फ्रेंड्स क्या रहेगा, देखते हैं किस इसका आंसर आएगा, कमेंट करिए भाई। चलिए आंसर दीजिए कमेंट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आंसर दीजिए। सभी लोग आंसर बताएंगे भाई क्या रहेगा? पांडे जी इस क्वेश्चन का, बताइए अमन जी, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, वेरी गुड। पांडे जी ऑप्शन फोर, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर, पहला और दूसरा एसिटिक एसिड और एथेनोइक एसिड, बिल्कुल दोनों रहेंगे, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, विद्युत प्रवाह जो समय के निश्चित अंतराल के बाद अपनी दिशा बदलता है उसे हम क्या कहते हैं? कौन सा विद्युत जो है मतलब विद्युत प्रवाह है, डीसी है, एसी है, अल्टरनेट करंट है, नॉन ऑफ दिस है, या डायरेक्ट करंट है? सही आंसर दीजिए कमेंट करिए भाई क्या रहेगा, ऑप्शन वन टू थ्री में आंसर दीजिएगा। सही आंसर दिया, अपना निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल लेता है ये। चलेंगे सभी लोग कमेंट करेंगे भाई, यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अल्टरनेटेड करंट प्रत्यावर्ती धारा, क्या रहेगा? एसी करंट, बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन रहेगा थर्ड, ठीक है, बिल्कुल थर्ड मानिए, बिल्कुल सही है। अल्टरनेटिव करंट आपको दिख रहा है और डायरेक्ट करंट भी दिख रहा है, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल यादव जी बिल्कुल सही है, यादव जी भी ऑप्शन टू है, ठीक है, क्या यादव जी? ऑप्शन टू। अगला क्वेश्चन, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दुनिया का पहला गणराज्य कौन सा था? चलेंगे आंसर देंगे, फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड इन 6th सेंचुरी। चलेंगे सभी लोग आंसर बताएंगे भाई क्या रहेगा क्वेश्चन का, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आंसर दीजिए कमेंट करिए, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। पांडे जी ऑप्शन वन, वेरी गुड। एनी वन कोई और आंसर कमेंट करेगा भाई, क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन का? ओके पांडे जी, चलिए आंसर करेगा ऑप्शन वन। ओके ओके एथेंस आ रहा है, ओके वेरी गुड। मानव जी थोड़ा और आंसर कमेंट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, चलिए आंसर दीजिए कमेंट करिए। यहाँ पर आएगा ऑप्शन वन, क्या आएगा? वैशाली, बिल्कुल अमन जी, पांडे जी वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक सामान्य मानव, यदा जी बिल्कुल सही, एक सामान्य मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? आंसर दीजिए कमेंट करेंगे, सभी लोग आंसर बताएंगे भाई क्या रहेगा
ये क्वेश्चन मैंने सुबह सुबह जो है वन लाइनर में कराया है आपको। वन लाइनर की वीडियो नहीं देखते हैं फ्रेंड, बहुत सारे स्टूडेंट जो 8 बजे वीडियो आती है उसको जरूर देखिए, उसमें मोस्टली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं लेकिन वन लाइनर में, ठीक है। ओके ऑप्शन वन, वेरी गुड पांडे जी। एनी वन, कोई आंसर कमेंट करेगा क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर? चलेंगे सभी लोग आंसर बताएंगे भाई क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके आंसर रहेगा 30 ट्रिलियन। ये जो है ओके मेल और फीमेल, ओके मेल में 20 और फीमेल है 30। ओके मान लीजिए कि बता दूं मैं आपको, यहाँ पर 37 तक जा सकती है संख्या, कितनी जा सकती है 37, 30 से लेकर 37 तक जा सकती है। 30 ट्रिलियन रहेगा, क्या रहेगा 30 ट्रिलियन, ठीक है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, माय फादर इज अ हीरो, ये जो है इसके इस बुक के लेखक कौन है? चलिए आंसर दीजिए कमेंट करेंगे फ्रेंड, क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग, बिल्कुल एम डी जी, चलिए गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 7 है, आंसर दीजिए कमेंट करिए। लगभग 15-20 क्वेश्चन कर लिए हमने, चलिए आंसर दीजिए कमेंट करिए क्या होगा क्वेश्चन आंसर। फादर जो है, माय फादर इज अ हीरो, ये इस बुक के लेखक कौन है? चलेंगे सभी लोग बताएंगे भाई क्या रहेगा क्वेश्चन आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्या होगा? निशांत कौशिक, क्या होगा? निशांत कौशिक। आपको 2 बार से 3 बार ये बुक पूछी गई है, 2 बार लगभग। चलिए अगला क्वेश्चन पूछेंगे, कालिदास सम्मान कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? कालिदास सम्मान कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? आंसर दीजिए कमेंट करेंगे सभी लोग बताएंगे भाई, हाउ मैनी फील्ड्स कालिदास अवार्ड इज गिवन? चलिए बताइए क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं किसका आंसर से पहले आता है, चलिए कमेंट करिए। पांडे जी ऑप्शन 4 आ रहा है, वेरी गुड। एनी वन, कोई आंसर कमेंट करेगा भाई क्या आना चाहिए क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं किस किसका आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ओके अमन जी ऑप्शन डी, ओके यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3rd, यानी कि 4, 4 रहेगा ऑप्शन रहेगा 4, मतलब अलग अलग 4 क्षेत्रों में दिए आते हैं। तो देखिए कौन कौन से क्षेत्रों में दिए आते हैं, देखिए ये जो है 1880 में जो है इसको पहली बार लाया गया, ठीक है। और इसमें देखिए किस किस में दिए आते हैं, सच बता दूँ आपको, संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच और प्लास्टिक कला के लिए दिया जाता है, ठीक है। ओके चलिए बिल्कुल ऑप्शन रहेगा 4, 4 मतलब 4 जो है अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है, अलग 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 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 63वीं फिल्म फेयर पुरस्कार मिला? अब 63वीं पूछा जा सकता है आपसे, 64वीं पूछा जा सकता है, तो ये बताना है 63वां जो फिल्म फेयर अवार्ड, सही 63 तो पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ही। तो चलिए आंसर दीजिए, ओके न्यूटन, वेरी गुड, ओके 1 आ रहा है, बहुत अच्छे। एनी वन, कोई आंसर कमेंट करेगा? मान लीजिए पांडे जी आ गए, आपका आंसर बहुत अच्छे। यादव जी, अमन जी आंसर कमेंट करिए। एम डी सैगर, बिल्कुल आंसर दीजिए कमेंट करिए भाई क्या रहेगा। यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, हिंदी मीडियम को दिया गया। भैया 2018 का जो था सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जो है वो किसको दिया? 63वीं फिल्म पुरस्कार वो दिया हिंदी मीडियम को, ठीक है। किसको दिया है? हिंदी मीडियम को, ठीक है। ओके अब इसके बारे में बता देता मैं आपको, बेस्ट फिल्म थी हिंदी मीडियम, बेस्ट एक्टर रोल फीमेल के लिए वो विद्या बालन को, तुम्हारी सालू जो मूवी थी उसके लिए, बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल जो इमरान खान हिंदी मीडियम, जिसको जो है बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला। बेस्ट एक्टर डायरेक्टर की बात करें, अश्विनी ईयर तिवारी, ओके बर्फी, ओके बरेली की बर्फी के लिए दिया गया, ठीक है। और फीमेल बेस्ट प्लेबैक सिंगर की बात करें तो अरिजीत सिंह को दिया गया, और बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल की बात करें तो मेघना मिश्रा को दिया गया, ठीक है। ओके चलेंगे अगला क्वेश्चन, नोबल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पीस पुरस्कार जो है नोबल का वो किस शहर में दिया जाता है? आंसर देंगे सभी लोग कमेंट करेंगे, देखते हैं किसका आंसर आता है, चलिए कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखते हैं आंसर किसका आता है। सबसे पहले ओके यादव जी ऑप्शन 1, वेरी गुड। एनी वन, कोई आंसर कमेंट करेगा? पांडे जी बहुत बढ़िया, आपका आंसर आ गया, चलिए कोई और आंसर कमेंट करिए। यादव जी, सागर जी, ओके मानवी जी, यादव जी, चलिए आंसर दीजिए कमेंट करेंगे सभी लोग आंसर बताएंगे भाई। स्टॉकहोम की, मान लीजिए स्टॉकहोम बोल रहे हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर 1, ये ओस्लो में दिया जाता है, पीस पुरस्कार दिया था ओस्लो में, ऑप्शन है का 1, पीस पुरस्कार ओनली दिया जाता है ओस्लो में, ठीक है। बिल्कुल पांडे जी बहुत सही, ठीक है, ये बिल्कुल सही था आंसर, ठीक है। और नॉर्वे में भौतिक, नॉर्वे में जो है नॉर्वे और भौतिकी, रसायन विज्ञान, फिजियोलॉजी और या चिकित्सा और साहित्य के नोबल पुरस्कार तथा अर्थशास्त्र के पुरस्कार जो होते हैं स्टॉकहोम में या स्वीडन में प्रदान किए जाते हैं।
ठीक है, ये सारे सारे आपको भौतिकी, रसायन, फिजियोलॉजी, चिकित्सा में जो दिए आते हैं वो दिए आते हैं स्टॉकहोम में, और जो शांति पुरस्कार दिया था वो ओस्लो में दिया था। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य बीपी यानी रक्तचाप का प्रतिनिधित्व करता है, यानी ब्लड प्रेशर का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, चलिए आंसर दीजिए कमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं किसका आंसर होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलेंगे आंसर देंगे फ्रेंड। ओके सागर जी ऑप्शन टू, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा? अमन जी ऑप्शन बी, मानवी जी ऑप्शन वन, ओके ऑप्शन सी बी आ रहा है, बहुत बढ़िया। रविंद जी आपका भी बी आ रहा है, तो बिल्कुल सही कह रहेगा, 120 से लेकर 180 तक, बिल्कुल सही है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका को कब जो था मतलब मैं भारत लौटने के लिए छोड़ा था, चलेंगे आंसर देंगे कमेंट करेंगे। गुड मॉर्निंग, बिल्कुल चलिए कोई बात नहीं, रविंद जी आंसर दीजिए कमेंट करिए। पांडे ऑप्शन फोर, वेरी गुड। एम डी ऑप्शन फोर, बहुत अच्छे। चलिए आंसर दीजिए कमेंट करेंगे, सभी लोग बताएंगे भाई क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। चलिए आंसर दीजिए, महात्मा गांधी ने अफ्रीका को कब छोड़ दिया था लौटने के लिए। ओके 1914 आ रहा है, ओके यहाँ पर आएगा 1915, कब छोड़ दिया था 1915 में। अमन जी बिल्कुल सही है, अमन जी बिल्कुल सही। ओके सागर जी बहुत बढ़िया, पांडे जी बहुत सही आंसर है, अमन जी बहुत सही, बहुत बढ़िया। 1914, 1915 ठीक है, लेकिन यहाँ पर करेक्ट हम बोलेंगे 1915। ठीक है अमन जी, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक समान ऊंचाई के स्थानों में जोड़ने होने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है। चलिए आंसर देंगे सभी लोग कमेंट करेंगे भाई, आइसोथर्म, आइसो आई आइसो यट, या फिर आइसो बात, या फिर आइसो हाइपर्स, चलेंगे आंसर कमेंट करेंगे भाई। ऑप्शन है पांडे जी फोर, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई, क्या आएगा इस क्वेश्चन का, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है भाई, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, कभी ना कभी आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में, 2019 के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अमन जी ऑप्शन डी, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई, यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर, डी बिल्कुल सही, अमर जी बिल्कुल। ओके यही रहेगा आइसोस्पर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है रविंद जी यार, ओके यार अमन जी बिल्कुल सही, पांडे जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया अमन यादव जी, ओके पांडे जी बहुत सही। चलिए आइसो सोप जो होता है वो एक समान बारिश के स्थानों को जोड़ने वाली रेखा होती है, आइसो बात जो होती है महासागरों के एक समान गहराई वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा होती है, सभी के बारे में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और जो आइसो पर या फिर बोले काउंटर लाइन, वो क्या रहती है, एक समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा होती है, ठीक है। और आइसोथर्म के बारे में तो आप एक समान तापमान वाले स्थानों को जानने जोड़ने वाली रेखा होती है, आइसोथर्म से आप समझ सकते हैं ये तापमान से रिलेटेड होगी। चलेंगे अगला क्वेश्चन, पूछा है आपसे INS विक्रांत का रूसी नाम क्या था, चलेंगे सभी लोग बताएंगे, INS जो है INS विक्रांत का रूसी नाम क्या था, सभी लोग कमेंट करेंगे आंसर देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्क्रीन पर आंसर दीजिए कमेंट करेंगे। और फ्रेंड थोड़ा वीडियो को शेयर करिए, पसंद आए वीडियो तो प्लीज लाइक करिएगा वीडियो को। चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है, आंसर दीजिए कमेंट करिए भाई, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे क्या आने वाला है क्वेश्चन आंसर। ओके पांडे ऑप्शन वन, यादव जी थर्ड, ओके अमन जी ऑप्शन सी, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर, क्या रहेगा फोर, एडमिरल नखीमो, एडमिरल नखीमो गोरोखाव, नहीं है नखीमोव है भाई, ऑप्शन फोर है रविंद जी, बिल्कुल एग्जैक्टली आप वहां पर पहुंच गए थे, लेकिन यहाँ पर फोर ऑप्शन है थर्ड, ओके ऑप्शन नंबर टू नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर रहेगा, ठीक है फोर बिल्कुल करेक्ट है। चलेंगे इसके बारे में दिया हुआ है, इसको कमीशन किया गया था 4 दिसंबर 2018 को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, बिक्री कर का एक उदाहरण है सेल्स टैक्स का एग्जाम्पल क्या है, चलिए सभी लोग बताएंगे भाई सेल्स टैक्स का उदाहरण क्या है, चलिए सभी लोग बताइए, निगाह कॉरपोरेट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, या वेलफेयर टैक्स। ओके यहाँ पर पांडे जी बहुत बढ़िया, ऑप्शन थर्ड आया, बहुत सही। चलिए एनीवन कोई और आंसर कमेंट करेगा? ओके सागर जी ऑप्शन टू, अमन जी ऑप्शन बी, वेरी गुड। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे भाई रेगुलर, चलिए आंसर दीजिए कमेंट करिए। यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष कर, बिक्री कर कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स को, बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया रविंद जी, बहुत सही पांडे जी, बिल्कुल सही था, ठीक क्या रहेगा भैया, इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कर रहेगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य हैं, तो पांचों स्थायी सदस्यों के नाम बताइएगा क्या रहेगा, ये क्वेश्चन सिंपल है हमारे लिए, चलेंगे आंसर देंगे, ये एग्जाम में कई बार आया है, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए आंसर दीजिए सिंपल क्वेश्चन स्क्रीन पर, देखते किससे आंसर रहेगा, लगभग सभी का आंसर आना चाहिए भाई।
सभी लोग आंसर बताएंगे क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर कमेंट करिए और बताइए। सभी लोग आंसर बताएंगे भाई क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी सभी का ऑप्शन बी और टू आ रहा है। तो यहाँ पर रहेगा चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी का बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? चलेंगे आंसर देंगे, राष्ट्रीय विकास संस्थान जो है कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है, आंसर देना है, कमेंट करना है। चलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहाँ पर लोकेटेड है? आंसर कमेंट करिए, देखते किस किस का आंसर रहेगा। चलिए कमेंट करेंगे, बहुत अच्छा। ओके सागर जी ऑप्शन, सागर जी ऑप्शन वन, वेरी गुड पांडे ऑप्शन वन आ रहा है, बहुत बढ़िया। एनीवन कोई और आंसर कमेंट करेगा क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन का? सभी लोग बताएंगे भाई न्यू दिल्ली आ गया रविंद्र जी। ओके सभी का ऑप्शन वन आ रहा है, तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर हैदराबाद। भैया हैदराबाद रहेगा, न्यू दिल्ली में रहिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है हैदराबाद में, क्या रहेगा भाई हैदराबाद में है। ठीक है चलेंगे अगला क्वेश्चन, इसके बारे में सारी चीजें लिखी हैं तो ये आपको पढ़ सकते हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए, कितने मौलिक यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मेंशन किया गया है? चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए। ओके ऑप्शन फोर, ऑप्शन ग्यारह रविंद्र जी, ओके सागर जी ऑप्शन वन आ रहा है। ओके एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर? रमन जी ओके ऑप्शन वन आ रहा है, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर, ग्यारह रहेगा। रविंद्र जी बहुत बढ़िया, पांडे जी बहुत सही है, ग्यारह मौलिक कर्तव्यों के बारे में लिखा गया है। ठीक है बिल्कुल सही है, बहुत सही। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने, अकबर के दरबार में टोडरमल क्या थे, उनका काम क्या था? चलिए आंसर दीजिए, उनका डिपार्टमेंट क्या था? चलिए आंसर देंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे, म्यूजिक, लिटरेचर, फाइनेंस या फिर कानून सुधार। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे भाई क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर। ओके सागर जी ऑप्शन वन, वेरी गुड। अमन ओके यहाँ पर आ रहा है, पांडे ऑप्शन थर्ड, बहुत अच्छे। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ये फाइनेंस से रिलेटेड थे, यानी कि वित्त जो है बिल्कुल उनसे रिलेटेड थे टोडरमल। ठीक है इनके नाम से ही समझ रहे भाई। ओके रविंद्र जी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, जूट की आधिकारिक भाषा है, सॉरी उर्दू किसकी आधिकारिक भाषा है? उर्दू जो है कहाँ की आधिकारिक भाषा है? आंध्र प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की, पश्चिम बंगाल की या जम्मू एंड कश्मीर की? चलिए सभी लोग आंसर बताएंगे भाई उर्दू कहाँ की आधिकारिक भाषा है। देखिए फ्रेंड्स हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है पहली बात से पहले, और अगर आप बोल रहे हैं हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है तो ये आपकी ऑफिशियल भाषा है, कहने के मतलब आपकी राजकीय भाषा है। ठीक है आधिकारिक भाषा, ओके जम्मू एंड कश्मीर, वेरी गुड अमन जी ऑप्शन आ गया जम्मू एंड कश्मीर, बहुत बढ़िया बिल्कुल सही है। जे एंड के बिल्कुल सही, जम्मू एंड कश्मीर की आधिकारिक भाषा क्या है? उर्दू रहेगी। चलेंगे और इसके साथ साथ देखिए बता दूँ कहाँ कहाँ की जो है उर्दू जो है आधिकारिक भाषा है। देखिए उर्दू उत्तर प्रदेश की, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली की जो है अतिरिक्त अतिरिक्त भाषाओं जो आधिकारिक भाषा के रूप में दर्ज है। ठीक है चलेंगे अगला क्वेश्चन, आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? आपातकालीन प्रावधान जो है भारत के किस संविधान में आते हैं, किस अनुच्छेद में आते हैं? आंसर देना है, कमेंट करना है। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे, सभी लोग आंसर बताएंगे भाई, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलेंगे सभी लोग बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके ओके एम डी सेगर जी ऑप्शन आ गया थर्ड, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई? ओके पांडे ऑप्शन थर्ड, अमन जी ऑप्शन सी आ रहा है। ओके चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे भाई क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन का, 52 से 60, बहुत बढ़िया। ओके थर्ड रहेगा 52, 352 से लेकर 360 तक जो रहता है बिल्कुल सही रहेगा, 52, 60 और 356 और 60, बिल्कुल मानवी जी बहुत सही आंसर है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? ये एग्जाम में कई बार आए हैं ये वीरता पुरस्कार, जितने भी आपको दिख रहे हैं तो आपको चलिए आंसर कमेंट करना और बताना इन क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं कौन कौन आंसर कमेंट करेगा और आंसर दीजिए। और फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है थोड़ा इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में। आज थोड़े कम स्टूडेंट हैं, रात में तो बहुत सारे स्टूडेंट थे लेकिन अभी सिर्फ 5 स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है परमवीर चक्र, वेरी गुड, अमर जी ऑप्शन बी, मानवी ऑप्शन बी बोल दिया है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र जो है सर्वोच्च पुरस्कार है हमारे भारत का। ठीक है तो देखिए अब बता दूं मैं आपको युद्ध वीरता पुरस्कार जो रहते हैं वो कौन कौन से हैं, अगर आपसे पूछे युद्ध वीरता पुरस्कार इनमें से कौन सा है तो वह है परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र और फिर वीर चक्र। ठीक है उसके बाद शांति काल वीरता पुरस्कार की पूछे तो वह है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ठीक है ओके
चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारत का पहला डिजिटल और कैशलेस गांव अकोडरा किस राज्य में? आपको ये पता है कि भैया कैशलेस राज्य कौन सा है, डिजिटल और कैशलेस राज्य कौन सा, अकोडरा है। तो अकोडरा किस राज्य का शहर है या फिर गांव है? चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए। ऑप्शन ए आया है, वेरी गुड। सागर जी दोबारा से आंसर कमेंट करिए, इसका आंसर ए नहीं है, ठीक है पांडे जी, ए नहीं है मैंने बोला ना। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे सभी लोग। ओके केरल आ रहा भैया, सभी लोग केरल बोल रहे हैं, केरल बोल रहे हैं भैया, केरल बोल रहे हैं। ओके गुजरात बोल रहे हैं कुछ लोग, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, आपने केरल बोला है तो केरल भी हो सकता है, गुजरात भी हो सकता है, तमिलनाडु भी हो सकता है, ठीक है। चलिए एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई, क्या आएगा क्वेश्चन आंसर? देखिए मे भी हो सकता है केरल, लेकिन मैं आप अपने आंसर पर डटे रहिएगा, ठीक है चलेंगे। आंसर आएगा थर्ड, गुजरात, बिल्कुल सही है रविंद जी, बहुत बढ़िया। जो अकोटरा है वो गुजरात का गाँव है, ठीक है। और सबसे पहला प्रदेश डिजिटल और कैशलेस प्रदेश कौन सा, ये याद रख के रखिएगा, अभी कुछ क्वेश्चन आने वाला है कुछ देर के बाद में, ठीक है। ओके 1 जुलाई 2015 को ये लॉन्च की गई थी, ठीक है, डिजिटल स्कीम जो थी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, नागर हॉल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? चलेंगे सभी लोग बताएंगे भाई, नागर हॉल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे सभी लोग बताएंगे भाई क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए कमेंट करिए, आंसर दीजिए क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं किसका आंसर आएगा। चलिए आंसर दीजिए सभी लोग, कमेंट करेंगे भाई इस क्वेश्चन का आंसर, नागर हॉल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, चलेंगे आंसर देंगे। चलिए आंसर दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर वन, कर्नाटक में। भैया कहाँ पर है? अब वन रहेगा कर्नाटक में, कहाँ पर है? कर्नाटक भाई, कर्नाटक रहेगा आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल रविंद जी बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, गोल्डन चैरिटी एक पर्यटक है, आपको बताना है ये पर्यटक क्या, तीर्थ स्थान है, बस है, ट्रेन है या होटल है? गोल्डन चैरिटी क्या है, बस है, ट्रेन है, होटल है या तीर्थ स्थान है? चलेंगे सभी लोग बताएंगे भाई, आंसर दीजिए, कमेंट करिए क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं किस किसका आंसर आता है, चलिए कमेंट करिए भाई। ओके पांडे जी, ओके रविंद जी ऑप्शन होटल आ रहा है, पांडे जी ऑप्शन टू बोल रहे हैं, ओके अमन जी बोल रहे हैं डी, किसी का थर्ड ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो देखिए थर्ड ही है ये, ट्रेन है। क्या है भाई? एक ट्रेन है, ठीक है, जो कहाँ पर चलती है, देखिए बता दूँ, ये एक ट्रेन है जो कर्नाटक, गोवा, केरल और तमिलनाडु के साथ साथ पांडिचेरी में महत्वपूर्ण स्थानों पर घुमाती है, स्थल जो है पर्यटक स्थलों को घुमाती है, ठीक है पर्यटन को घुमाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने, डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वाति क्या है? स्वाति एक्चुअल में है क्या, डीआरडीओ को द्वारा विकसित किया गया है, चलेंगे डेवलप किया गया, देखते किस किसका आंसर आएगा, कमेंट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्क्रीन पर आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे भाई सभी लोग। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे सभी लोग, आंसर बताएंगे भाई क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन स्क्रीन पर है और आंसर बताएंगे भाई सभी लोग। कोई आंसर बताएगा भाई क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर? ओके रविंद जी ऑप्शन फोर, पांडे जी ऑप्शन टू, वेरी गुड। एनी वन, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन, ये हथियार तलाश करने वाला रेडार है, ऑप्शन वन, मानव जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलेंगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, अमन जी बिल्कुल सही, चलिए अगला क्वेश्चन, बांसी जलधारा किस किस के बीच में आती है? बांसी जलधारा जो है, बांसी चैनल जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, किसके बीच में लोकेटेड है, आंसर दीजिएगा, आप कमेंट करेंगे सभी लोग। बिल्कुल पांडे जी बहुत बढ़िया, रविंद जी टू आ रहा है ऑप्शन, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई क्या आएगा? अमन जी ऑप्शन बी, दीपक जी ऑप्शन सी, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई क्या आएगा आंसर? यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर वन, वन आएगा, फिलीपींस और ताइवान के बीच में आती वांसी जलधारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओके चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, BBPAT का फुल फॉर्म बताइए, ये लोकसभा में यूज करा गया है अभी फिलहाल में, और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला है, ठीक है चलेंगे आंसर देंगे। BBPT का फुल फॉर्म बताइए, BBPAT का फुल फॉर्म बताएंगे भाई, ये एग्जाम में आएगा 101%। चलेंगे सभी लोग आंसर बताएंगे भाई क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर, देखते किसका आंसर से पहले आएगा, चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए। ओके किसी का नहीं आ रहा, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ये आएगा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, ऑप्शन थर्ड आएगा, सी ऑप्शन है या फिर बोले थर्ड, यहाँ पर थर्ड रहेगा, इसको याद कर लीजिए पूरे तरीके से,
इसमें से आपको यही पूछा जाता है बी का मतलब क्या है, दूसरे बी का मतलब क्या है, पहले बी का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन लिखी है, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्रेट ब्रिटेन में शामिल है, ग्रेट ब्रिटेन में क्या क्या आता है, चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे सभी लोग, आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई क्या रहेगा क्वेश्चन का सर। देखते हैं किस किस का आंसर आएगा। ओके पांडे क्वेश्चन 4, वेरी गुड, एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई। ओके चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए, यहाँ पर आएगा वन, इंग्लैंड स्कॉटलैंड और वेल्स। ठीक है, इंग्लैंड अभी कहाँ पर हो रहे हैं भाई, आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप हो रहा है इंग्लैंड और वेल्स में, इंग्लैंड वेल्स और स्कॉटलैंड आता है ग्रेट ब्रिटेन में, एक एक तरीके से देखा जाए तो आईसीसी वर्ल्ड कप हो रहा है ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है, कहाँ हो रहा है, ग्रेट ब्रिटेन में हो रहा है, जिसमें आते हैं इंग्लैंड स्कॉटलैंड और वेल्स, और वेल्स और इंग्लैंड में हो रहा है आईसीसी वर्ल्ड कप। अब एक आईसीसी वर्ल्ड कप का बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट फ्रेंड्स, कल का जो एक जो है करंट अफेयर है बहुत अच्छा है फ्रेंड, बहुत ही बढ़िया करंट अफेयर है। ठीक है, कौन है भाई, हमारे हैं एक पेस बॉलर, सीमर बॉलर बोलते हैं, कौन है भाई, ये सामी, सामी हैं। ठीक है, सामी, मोहम्मद सामी। ठीक है, ये मोहम्मद सामी जो हैं ये सीमर बॉलर हैं, और इसमें आईसीसी वर्ल्ड कप में अभी तक नहीं खेले थे, लेकिन खेले किसके साथ में, खेले हैं श्रीलंका के साथ में, और जब खेले तो ऐसा खेले कि उन्होंने हैट्रिक लिया है। क्या ली, हैट्रिक, लगातार 3 विकेट लिए और टोटल 4 विकेट लिए हैं, एक पारी में टोटल 4 विकेट और लगातार हैट्रिक करिए, ये दूसरे व्यक्ति बन गए जो इंडिया में आईसीसी वर्ल्ड कप में कहें या किसी भी वर्ल्ड कप की कहें, आईसीसी वर्ल्ड कप की, तो ये हैं एक साथ यानी हैट्रिक करने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं, सॉरी बॉलर हैं। ठीक है, और ये इन्होंने टोटल अगर पूछ लिया कितने कितने लिए थे, तो लिए थे इन्होंने 4 विकेट। ठीक है, टोटल कितने लिए, 4 विकेट लिया। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी है पिछले क्वेश्चन की, चलिए आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है, कर्क रेखा निम्न में से किसके मध्य से गुजरती है, बिल्कुल बिल्कुल मान लीजिए समी की हैट्रिक हुई है, बिल्कुल सही, चलिए कल बिल्कुल, चलिए आंसर दीजिए, चेतन चेतन शर्मा आ रहा, ओके चेतन शर्मा, समझ में नहीं आ रहा जी, चेतन शर्मा कहाँ से लिखा है, चलिए ओके पहला चेतन शर्मा था। ठीक है, ओके पहला चेतन शर्मा था, आपको पहला, देखिए पहला कौन है चेतन शर्मा, दूसरा कौन है समी, ओके दूसरे बन गए। और आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर देंगे, देखिए आईसीसी वर्ल्ड कप में पहला डेब्यू किया है, ठीक है, और पहला ही मैच खेला है और पहली बॉल फेंकी है, तो विजय शंकर ने पहली बॉल पर विकेट लिया, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी एग्जाम में आएगा। ठीक है, ओके ऑप्शन टू, ऑप्शन बी यहाँ पर आएगा, ऑप्शन नंबर 4, नव दीज कर्क रेखा इनमें से कहीं से भी गुजरती नहीं है। ठीक है, ये रहेगा डी, ऑप्शन डी रहेगा, पांडे जी बिल्कुल सही। चलिए आप क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगला क्वेश्चन 9 नंबर, क्षेत्रफल के आधार पर देशों को बढ़ते क्रम में लिखिए, ये एग्जाम में आया था, और फ्रेंड देखिए कल भी मैंने इसको कराया है, कल मैंने 8 देश बढ़ाए थे आपको अलग अलग तरीके, 8 से स्टार्ट किया था भैया हमारा देश, जो हमारे देश से स्टार्ट किया था इंडिया से, उसके बाद जो है इस पर ख़त्म किया था, किस पर ख़त्म किया था भाई, बढ़ते क्रम में लिखना है। चलेंगे आंसर देंगे, कमेंट करेंगे भाई क्या रहेगा, सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा, चलिए आंसर देंगे, कमेंट करेंगे सभी लोग, चलिए सभी लोग आंसर देंगे भाई, बहुत अच्छा एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। ओके मान ली ऑप्शन डी, वेरी गुड, एनी वन, पांडे ऑप्शन 4, रविंद्र ऑप्शन 4 आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही, पहले देखिए पहले आएगा रसिया, फिर आएगा कनाडा, फिर चाइना, फिर USA। अब आपको ये बताना है कल अगर आपने वीडियो अटेंड करी है तो इंडिया कौन से नंबर के स्थान पर था क्षेत्रफल की दृष्टि में देखा जाए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस महिला ने सबसे पहले K2 पर चढ़ाई की थी, K2 एक पर्वत श्रृंखला है, आपको बताना है फ्रेंड्स, चलिए आंसर दीजिए, K2 एक चोटी की बात करेंगे। ठीक है, ये एक महिला ने सबसे पहले जो है, किस महिला ने जो है चढ़ाई करी, इस पर आंसर देना है, कमेंट करना है। ओके सागर जी ऑप्शन 3 आया, वेरी गुड, एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा, यहाँ पर क्या रहेगा। ओके अमन जी ऑप्शन सी, वेरी गुड, मान जी ऑप्शन सी आ रहा, बहुत अच्छे, चलिए ओके जनकू तवी, बहुत बढ़िया, यहाँ पर एक लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 2 वांडा रटकीविजेस। ठीक है, ये जनकू तवी नहीं रहेगा भैया, ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, ओके ओके एक मिनट रुकिए। ओके इस क्वेश्चन को रिव्यू करेंगे भाई, ठीक है, रुके एक मिनट रविंद्र जी, एक मिनट रुक जाइए, इस क्वेश्चन को रिव्यू करना है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, इस क्वेश्चन को देखिए, वैसे यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है कि ये ऑप्शन 2 है, लेकिन अगर ये गलत हुआ तो इसको जनूबी तवाकी कहेंगे, ठीक है, तवाई बोलेंगे, तवे ही बोलेंगे, इस क्वेश्चन को रिव्यू करना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट, जस्ट वन मिनट,
ठीक है। अब जो इस क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड, वीडियो के 10 मिनट बाद जब एंड होगी उसके बाद मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा बिल्कुल सही सही, और जिसने भी देखिए नहीं दे पाया तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारत जो है, भारतीय रिजर्व बैंक का पहला मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का पहला मुख्यालय कहाँ है? चलेंगे सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, और फ्रेंड्स मेरे हिसाब से वो बिल्कुल सही था आंसर, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे सभी लोग, बताएंगे भाई क्या रहेगा। बम भारत का, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का पहला मुख्यालय कहाँ है? ओके MD ऑप्शन आ रहा है, वन, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? ओके पांडे ऑप्शन वन, बहुत अच्छे। चलिए अनुराग जी ऑप्शन थर्ड आ रहा था पिछले का, बिल्कुल। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए क्या रखा, उस क्वेश्चन को रिव्यू में रखा है कोई बात नहीं, चलिए आंसर दीजिए कमेंट करिए, तो उस क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, वो ऑप्शन टू ही है, कोई दिक्कत नहीं। जिस जिस व्यक्ति का अगर थर्ड, तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन वहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। अमन जी ऑप्शन ए, वेरी गुड, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर, लेकिन थर्ड आएगा। देखिए मुंबई अभी है, लेकिन यहाँ पर पहला कोलकाता था, पहले कहाँ था? कोलकाता था, पहले क्या था भाई? कोलकाता था, पहले की बात करें पहला मुख्यालय। चलेंगे अगले इसके बारे में, देखिए RBI केंद्रीय कार्य, जो केंद्रीय कार्य कार्यकाल था वो थे कोलकाता में, अब जो है कोलकाता कहते हैं उसको, और पहले कहाँ पर था? ओके लेकिन अब कहाँ पर है? बॉम्बे में। पहले कहाँ पर था? कोलकाता में, और अब कहाँ पर है? बॉम्बे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप जिससे पहले क्या बोला जाता, के तट पर, मतलब जिसे पहले तट के पास स्थित व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, उसे हम क्या कहते हैं? उसे मतलब किस प्रदेश के पास में है? उड़ीसा के, केरल के, आंध्र प्रदेश के, या तमिलनाडु के? चलेंगे आंसर कमेंट करेंगे भाई क्या रहेगा क्वेश्चन आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। चलिए आंसर दिए कमेंट करेंगे सभी लोग, आंसर बताएंगे भाई। ओके मानवी ऑप्शन सी, वेरी गुड। चलिए सभी लोग आंसर देंगे भाई क्या रहेगा इस क्वेश्चन आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उड़ीसा आ रहा रविंद जी, बहुत बढ़िया। ओके पांडे ऑप्शन थर्ड बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रहेगा वन, क्या रहेगा? अमन जी बहुत बढ़िया, रविंद जी बिल्कुल रहेगा। उड़ीसा क्या रहेगा? उड़ीसा के तट के पास व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जिससे किसके नाम से? उड़ीसा के पास है, किसके पास है भाई? उड़ीसा के तट के पास स्थित व्हीलर द्वीप के नाम से जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं। चलेंगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारत में सबसे लंबी रोड सुरंग निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे लंबी रोड सुरंग कौन सी? आंसर दीजिए कमेंट करिए, बताइए बताइए क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट करेंगे फ्रेंड क्या रहेगा। और फ्रेंड वीडियो को थोड़ा शेयर करिए, पसंद आ रही वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए कमेंट करिए फ्रेंड क्या होने वाला क्वेश्चन का आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके। चेन्नई आ रहा है अमन जी, ऑप्शन वन आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर वन, चेनानी नेसरी सुरंग, ठीक है। चेनानी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया रविंद जी, चेनानी वो बिल्कुल सही है। अमन जी बहुत बढ़िया, पांडे जी बिल्कुल सही है। चलिए अगला इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको, देखिए देखिए इसको इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आप पढ़िए, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। INS कलवरी एक स्वदेशी विकसित क्या है? INS कलवरी एक्चुअल में क्या है? आंसर दीजिए कमेंट करना, आपको देखते हैं क्या आएगा। विमान है, पनडुब्बी है, लड़ाई जहाज है, या मिसाइल है? INS कलवरी क्या है एक्चुअल में? चलिए कमेंट करिए और आंसर दीजिए क्या रहेगा। ओके सागर जी, ओके ऑप्शन टू, वेरी गुड। एनी वन? ओके सभी का बी आ रहा है, मुकेश शर्मा ऑप्शन बी। ओके अमन जी ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया, क्या रहेगा? ये एक पनडुब्बी बोलेंगे या सबमरीन बोलेंगे, बिल्कुल सही मुकेश जी, रविंद जी बिल्कुल सही, सबमरीन, बहुत बढ़िया। चलिए बिल्कुल सही आंसर है, इसको लॉन्च किया गया था 27 अक्टूबर 2015 को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के मिल्कमैन के रूप में कौन जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्क्रीन पर, और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ओके हु इज नोन एज मिल्कमैन ऑफ इंडिया? चलेंगे सभी लोग बताएंगे भाई क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, चलिए आंसर दीजिए कमेंट करिए भाई। भारत के मिल्कमैन के रूप में किसको जानते हैं आप? चलेंगे पांडे ऑप्शन फोर, मानी ऑप्शन वन, वेरी गुड। एनी वन को आंसर कमेंट करेगा भाई? यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फोर, वर्गीज कुरियन भाई, वर्गीज कुरियन, रविंद जी बिल्कुल सही है, पांडे जी बिल्कुल सही आंसर था, मानवी जी ऑप्शन रहेगा फोर, वर्गीज कुरियन, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम में है। अगला क्वेश्चन बोलवो के, ये क्वेश्चन तो ठीक है छोड़ो इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो उसका मुख्यालय कहाँ है, यानी MIMD का मुख्यालय कहाँ है? चलिए आंसर दीजिए कमेंट करिए भाई क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन का, देखते हैं किस किस आंसर रहेगा फ्रेंड्स। चलिए आंसर दीजिए कमेंट करिए क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके
वर्गीज कुरियन पिछले का था। चलिए इस क्वेश्चन आंसर दी रविंद जी, क्या रहेगा? अनुराग भारती ऑप्शन वन, वेरी गुड अनुराग जी, एनी वन, ओके अमन जी ऑप्शन वन, रविंद जी ऑप्शन महाराष्ट्र, वेरी गुड। यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर वन आएगा, लेकिन दिल्ली में क्या आएगा? दिल्ली, बिल्कुल मानव जी, अमन जी, भारती जी बिल्कुल सही है, पांडे जी बहुत बढ़िया। कहाँ है भैया आईएमडी का जो मुख्यालय वो है दिल्ली में, कहाँ पर है? दिल्ली। चलेंगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, भारत का पहला कैशलेस राज्य कौन सा? अभी मैंने पूछा था ना आपसे कैशलेस गांव कौन सा था, कोडरा, ठीक है, आप कैशलेस राज्य बताइएगा, क्या रहेगा? ओके बढ़िया हूँ, कोई बात नहीं अनुराग जी, चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए। और सभी से बोलूँगा भाई सुबह सुबह 10 बजे हमारी वीडियो आई थी तो अटेंड करिएगा इसको, ठीक है। अनुराग जी ऑप्शन टू, वेरी गुड, एनी वन, ओके अमन जी ऑप्शन टू आ रहा है, ओके वेरी गुड, एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई? मात्र ओके गोवा, गोवा, गोवा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, और गोवा क्या रहेगा भाई? गोवा रहेगा, क्या रहेगा? गोवा रहेगा, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। गोवा 31 दिसंबर 2016 से भारत का पहला कैशलेस राज्य बन गया, ओके। चलेंगे अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर है? चलिए बताइए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ पर है? आंसर दीजिए, सभी लोग बताएंगे भाई, क्या रहेगा? फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है भाई, शेयर करेंगे तो और भी स्टूडेंट आएंगे और भी मुझे अच्छा लगेगा, क्लास थोड़ी बड़ी होगी, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए क्या रहेगा क्वेश्चन, ओके भारती जी ऑप्शन थर्ड, वेरी गुड, एनी वन, ओके अमन जी ऑप्शन थर्ड, पांडे जी ऑप्शन टू, ऑप्शन फोर, सागर जी ऑप्शन ए, लेकिन यहाँ पर रहेगा ऑप्शन फोर, पांडे जी बिल्कुल सही है, क्या रहेगा? फोर रहेगा, ये रहेगा हैदराबाद, बहुत बढ़िया रविंद जी, बहुत सही रविंद वर्मा जी, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, ओके भारत में नाम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट समिट जो थी वो कितनी हुई है? आपको बतानी है गुट निरपेक्ष आंदोलन जो थे वो कितने हुए थे, ठीक है, हैदराबाद, अनुराग जी बिल्कुल सही है, आपको ये बताने हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कितने होते हैं, टोटल मूवमेंट कितने होते हैं, आंसर देना है, कमेंट करना भाई क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, चलिए एग्जाम में आया हुआ भी है, चलेंगे सभी लोग बताएंगे भाई, पहला और आपको लास्ट का भी सन भी बतानी है, ये एग्जाम में आया हुआ है, पहला कब हुआ और लास्ट वाला कब हुआ है, ठीक है। अनुराग जी थर्ड, ओके वेरी गुड, एनी वन, फोर्थ आ रहा है, फोर्थ है, मतलब लास्ट कौन सा था, मतलब कौन कितने थे, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि सेवन, सात हुए थे, कितने हुए थे भाई? सात, रूरल करके सात हुए थे, बिल्कुल, अगर आपने ऑप्शन फोर बोला है यानी कि सात है तो बिल्कुल सही है, ओके कोई बात नहीं अनुराग जी, ठीक है अनुराग जी इस चीज को लिखे, ओके चलिए अनुराग जी बोल रहे हैं, कोई बात, ओके अनुराग जी अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है एक मिनट के लिए रुक जाइए, ठीक है एक मिनट के लिए रुक जाइए, एक मिनट के लिए,
ओके फ्रेंड्स, आ गए हैं अब लाइव। थोड़ा सा जो है वीडियो में दिक्कत आ रही थी। ठीक है, क्या लाइव आ गए हैं आप? मुझे बताइए लाइव आ गए हैं क्या? चलिए लाइव आ गए हैं फ्रेंड दोबारा से। फ्रेंड्स चलिए दोबारा से लाइव आ चुका हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा दिक्कत आ रही थी। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन। दुनिया में सबसे छोटा महासागर कौन सा है? चलेंगे आंसर देंगे, इस दुनिया में सबसे छोटा महासागर कौन सा, आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे सभी लोग। भारतीय, ऑप्शन 4, वेरी गुड। एनी वन को आंसर कमेंट करेगा भाई? ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है, दुनिया में सबसे छोटा महासागर कौन सा है? अनुराग जी, ऑप्शन 1, वेरी गुड। एनी वन, ओके, मान जी, ऑप्शन 1 आ रहा है। ओके, अमन जी, ऑप्शन 1 आ रहा है, वेरी गुड। यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्या रहेगा? आर्कटिक या अटलांटिक महासागर नहीं है, आर्कटिक रहेगा। आर्कटिक महासागर जो है सबसे छोटा है। मैंने आपको एक दिन जो है स्लाइड दी थी, उसमें ये भी बोला था कि इसको स्लाइड को जो है एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको आज बाद में पढ़िएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। इग्नोइटेड, क्या इग्नोइटेड माइंड्स, क्या इग्नाइटेड माइंड्स, सॉरी, इग्नाइटेड माइंड्स नाम की पुस्तक किसने लिखी? कोई बात नहीं है भारती ही। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या रहेगा, क्या आने वाला है क्वेश्चन का आंसर? इग्नाइटेड माइंड्स किसकी पुस्तक है? चलिए आंसर देंगे सभी लोग, कमेंट करेंगे भाई। स्टूडेंट्स बहुत सारे चले गए, मैंने बोला था एक दो मिनट रुक जाइए, थोड़ा वीडियो में दिक्कत आ रही थी कि सर्वर चले गए इसलिए। ठीक है, थोड़ा पुश कर दी थी वीडियो क्योंकि सर्वर द्वारा आए। ठीक है, पांडे, ऑप्शन 2, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई? क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर? थर्ड आ रहा है भारती जी, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 2, ये रहेगा APJ अब्दुल कलाम। किसने लिखी भाई? बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है भाई, इग्नाइटेड माइंड्स, APJ अब्दुल कलाम ने लिखी है, बहुत बार एग्जाम में आई हुई है। चलेंगे इनके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर भी इन्होंने लिखी है। किसने लिखी है? विंग्स ऑफ फायर जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलिसिंग द पावर विथ इंडिया, ये भी इनकी बुक है। ठीक है, इनके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लिखी है अब्दुल कलाम के बारे में, ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे, मतलब इसको पढ़ना चाहिए वैसे तो आपको। चलेंगे अगला क्वेश्चन। राजस्थान पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राजस्थान पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे सभी लोग, बताएंगे भाई क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, देखते हैं किस किस का आंसर आएगा। चलिए कमेंट करिए, कमेंट करिए, आंसर दीजिए, बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए कमेंट करिए भाई क्या रहेगा आंसर। रहेगा ऑप्शन नंबर 1 इरफान खान, ऑप्शन 1 इरफान खान रहेगा। चलिए अगला, इनके बाद में देखिए शाहरुख खान किस चीज़ के हैं? मुंबई में जो मुंबई के ब्रांड एम्बेसडर हैं, हुंडई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान। ठीक है, स्वच्छ भारत के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार। उबर के ब्रांड एम्बेसडर कौन? विराट कोहली। ये चार ऑप्शन के बारे में बता दी मैंने आपको। चलेंगे अगला क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध में किस गैस का इस्तेमाल किया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में किस गैस का इस्तेमाल करा गया? चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए। रविंद्र जी, इरफान खान बिल्कुल सही है भाई, अनुराग जी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है, आंसर दीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है कौन सी गैस का इस्तेमाल करें? अनुराग जी, ऑप्शन 3, वेरी गुड। एनी वन, ओके, पांडे वन बोल रहे हैं, बहुत अच्छे। एनी वन को आंसर कमेंट करेगा भाई? ये रहेगा 1, क्लोरीन। क्लोरीन का जो है गैस का यूज करा गया, बिल्कुल सही है, क्लोरीन। नवदीस नहीं है इसमें जो है आंशु गैस, ओके, यहाँ पर क्लोरीन रहेगा। अगला क्वेश्चन ये रहेगा क्लोरीन, ठीक है, ये आपके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। रामनाथ कोविंद किस राज्य से संबंधित हैं? रामनाथ कोविंद किस राज्य से, आंसर दीजिए। अनुराग जी बिल्कुल सही, आप बताना आपको रामनाथ कोविंद जो हैं, चलिए आंसर दीजिए किस राज्य से। चलिए सभी लोग बताएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। चलिए आंसर दीजिए UPR रविंद जी, वेरी गुड। एनी वन कोई और आंसर कमेंट करेगा भाई? क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर? बहुत सिंपल, ओके ओके, UP कानपुर, बिल्कुल यहाँ पर आएगा उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही, UP बिल्कुल सही है। अमन जी, रवि जी बहुत बढ़िया, मानवी जी बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पैन कार्ड का पूरा फुल फॉर्म बताइए, पैन कार्ड की फुल फॉर्म बताइए। चलिए आंसर दिए, पैन कार्ड में 10 डिजिट होते हैं, कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट होते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल होते हैं। चलेंगे आंसर देंगे, ठीक है, कमेंट करिए और आंसर दीजिए क्या रहेगा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ चुका है 2-3 बार। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए, पिछले क्वेश्चन का UP था, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग, कमेंट करेंगे। ओके, अनुराग जी ऑप्शन 1, मानवी ऑप्शन 1, यादव जी ऑप्शन 1, लेकिन पांडे जी ऑप्शन 2 बोल रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। परमानेंट अकाउंट नंबर, रहेगा परमानेंट अकाउंट नंबर, इसमें 10 डिजिट होते हैं, कितने थे? 10 होते हैं, जो अल्फा न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, ओके, चलेंगे अगला क्वेश्चन। 10 वर्ण अल्फा न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। यूपीएस का पूरा रूप क्या? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे।
1661 में चार्ल्स द्वितीय को विवाह दहेज के रूप में कौन सा शहर दिया गया? कोई बात नहीं रविंद्र जी, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए 1661 में चार्ल्स द्वितीय को विवाह के दहेज में क्या दिया गया? चलेंगे सभी लोग बताएंगे भाई क्या दिया गया, कोई आंसर कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का। हिस्ट्री पढ़िए तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होगा। माननीय ऑप्शन आएगा मुंबई, वेरी गुड। पांडे ऑप्शन वन आ रहा है, अनुराग जी फोर आ रहा है, अभिन जी बोल रहे हैं यहाँ पर रहेगा क्या रहेगा, मुंबई रहेगा। तो देखिए फोर वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि डचों का जो है बहुत टाइम तक वहाँ पर जो है राज रहा, अभी कुछ साल पहले ही बोलो हटे हैं, उनकी कॉलोनी जो है हटी है, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर टू रहेगा, यानी कि बॉम्बे, क्या रहेगा बॉम्बे रहेगा, बिल्कुल सही है भाई। चलेंगे अगला क्वेश्चन। नोकिया इंडिया के सीईओ कौन है? नोकिया इंडिया के सीईओ कौन है? आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन एग्जाम के लिए, चलिए आंसर दीजिए, एग्जाम में बहुत बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलेंगे आंसर देंगे सभी लोग। ओके अनुराग जी ऑप्शन वन, वेरी गुड। अमन जी ऑप्शन करिए कमेंट बॉक्स में, अमन जी आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन वन, कह रहा राजीव सूरी, कह रहेगा राजीव सूरी, बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया। ओके अनुराग जी बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन। फ्यूज तार, बिल्कुल सही है रविंद जी, फ्यूज तार बनाने के लिए किस सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है? बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, आपको बताने फ्यूज तार का इस्तेमाल जो होता है किस सामग्री के लिए किया है, किस सामग्री में क्या कंपोजिशन होता है उसमें, चलिए आंसर दीजिए। ओके ऑप्शन वन आ रहा है, अनुराग जी ऑप्शन वन, पांडे ऑप्शन वन, बहुत अच्छे। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोग आंसर देंगे और कमेंट करिए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर। ओके आंसर रहेगा इसका टिन और सीसा, वन बिल्कुल सभी लोगों का बिल्कुल सही है भाई, टिन और सीसा रहेगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। संगाई महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? चलेंगे सभी लोग आंसर देंगे, कमेंट करेंगे भाई क्या रहेगा क्वेश्चन आंसर। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी अभी तक की तो प्लीज लाइक करिएगा इस वीडियो को। चलिए आंसर दीजिए, मान लीजिए ऑप्शन वन, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट नहीं है, 12 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। सिक्किम थर्ड, थर्ड ऑप्शन टू, या कि आपका ऑप्शन आएगा टू, बिल्कुल सही है, क्या रहेगा अनुराग जी ऑप्शन टू, यानी कि मणिपुर, क्या रहेगा भाई मणिपुर में मनाया जाता है भाई, मणिपुर रहेगा, मान लीजिए बिल्कुल सही अनुराग जी, बहुत बढ़िया। चलेंगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बारे में बता दूँ, मणिपुर में हर साल 21 से लेकर 30 नंबर को मणिपुर में संगाई महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस क्रिकेटर मैदान में, क्रिकेटर ने मैदान में आर अश्विन ने, सॉरी किस क्रिकेट मैदान में आर अश्विन ने 300 विकेट लिए हैं? किस मैदान की बात हो रही है? चलिए आंसर दिए कमेंट के, ग्राउंड की बात हो रही है, चलिए आंसर दिए कमेंट के, नागपुर का ग्राउंड है, मुंबई का ग्राउंड है, पुणे का ग्राउंड है, चलिए आंसर देंगे सभी लोग बताएंगे। 300 विकेट जो है, 300 क्रिकेट विकेट जो है पूरे करे, ठीक है। ऑप्शन है पांडे थर्ड, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा? ओके मानिए ऑप्शन है नागपुर, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई? यहाँ पर ऑप्शन वन नागपुर, क्या रहेगा नागपुर में किए, ठीक है बिल्कुल सही है नागपुर, ऑप्शन रहेगा ए वन या ए। चलेंगे इसके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर दीजिएगा, कमेंट करेंगे भाई, सभी लोग आंसर बताएंगे भाई क्या रहेगा। अनुराग जी बिल्कुल सही पिछले क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कमेंट करिए फ्रेंड्स क्या रहेगा। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे सभी लोग। पांडे ऑप्शन वन आ रहा है, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा? अनुराग जी ऑप्शन टू, ओके आठ आ रहा है, मान लीजिए बोल रहे आठ, मतलब दूसरा दो रहेगा, ऑप्शन रहेगा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाएगा, किस में दिया जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाएगा, साइंस की टेक्नोलॉजी में दिया जाएगा, ठीक है। भटनागर शांति शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ठीक है, ये इसकी स्थापना करी गई थी 1958 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एथी एनीथिंग, क्या एनीथिंग बट खामोश, ये बहुत फेमस पुस्तक है, बहुत एक दो बार एग्जाम में गया, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी में आ चुकी है। एनीथिंग बट खामोश नाम की पुस्तक किसने लिखी? अनुराग भारती जी, बहुत बढ़िया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, कमेंट करेंगे भाई क्या रहेगा। एनीथिंग बट खामोश नाम की पुस्तक किसने लिखी? ओके पांडे जी वन, अनुराग जी वन, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई? रविंद जी वन, सभी लोग का आंसर आएगा भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आरआरबी ग्रुप डी में ये 2-3 बार आया था। यहाँ पर आएगा ऑप्शन वन शत्रुघ्न सिन्हा, क्या रहेगा भाई शत्रुघ्न सिन्हा, ठीक है बिल्कुल सही है। के बिहार, क्योंकि बिहार के हैं, ठीक है बिल्कुल शत्रुघ्न सिन्हा मान, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है? चलेंगे सभी लोग बताएंगे कौन जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे सभी लोग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कहूंगा इसको आपके लिए, चलिए सभी लोगों के लिए सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी चुका है, लेकिन
आपको ये बताना है इसमें से सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत क्या है। चलिए आंसर दीजिए। ओके ऑप्शन टू आ रहा, ऑप्शन टू, ऑप्शन टू। ओके सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत, सॉरी पांडे जी, अनुराग जी, सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारतीय ऑप्शन वन, रविंद्र ऑप्शन टू, ऑप्शन आएगा इसमें से कोई नहीं। ठीक है देखिए बता दूं आपको, इसमें से कोई नहीं आएगा, नन ऑफ दीज। क्यों? एक्चुअल में क्या है, देखिए सुनिए मेरी बात। देखिए हाइड्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो होती है, मतलब जल विद्युत धारा इतनी ज़्यादा मतलब है हमारे लिए कारगर है। ठीक है विंड जो है बहुत कम लोग कम ऊर्जा देती है। ठीक है ज्वाली ऊर्जा भी जो है हम इतना ज़्यादा संबंधित नहीं है हम लोग के ज्वाली ऊर्जा जो है इतनी इतने ज़्यादा व्यापक रूप से कर पाए। तो यहाँ पर अगर मैं सूर्य लिख देता, सन लिख देता, आप सन करते, क्या करते? सन करते। सन जो रहता है सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत है हमारे लिए। तो यहाँ पर हम नन ऑफ दीस आंसर करेंगे। ठीक है ओके ऑप्शन में से ही पूछा है। ठीक है ठीक है ऑप्शन में से ही नन ऑफ दीस आएगा हमारे पास। ठीक है चलेंगे अगला क्वेश्चन। कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? चलेंगे सभी लोग बताएंगे भाई, कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई। वैसे ताप एनर्जी है। ठीक है चलिए रविंद्र जी, चलिए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दीजिए, कमेंट करिए। ओके ऑप्शन वन, ओके ओके पारा आ गया, अनुराग जी वन आ रहा है, वेरी गुड। ऑप्शन टू भी आ रहा है अनुराग, ओके पांडे जी और अनुराग भारती, ओके ऑप्शन टू आ रहा है। ठीक है ऑप्शन थ्री पारा आ रहा है, यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर फोर, यानी कि पारा और ब्रोमीन दोनों के दोनों क्या कहते हैं हम उस पर तरल अवस्था में रखा होते हैं। किस पर? तापमान, कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है धातु। ठीक है चलेंगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी है। अगला क्वेश्चन है भारत के रक्षा मंत्री कौन है? ओके रक्षा मंत्री, सॉरी ये मेरी बात, ओके अभी तो देखिए चेंज हो चुके हैं, अभी ये चेंज हो चुके हैं। ठीक है ये चेंज हो चुके हैं, अभी पिछली बार तो था वो था जब सेट बनाया था मैंने तब कौन था? निर्मला सीतारमन थी। ठीक है अभी ये वित्त मंत्री है, कौन है? अभी ये वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है ओके चलेंगे आके राजनाथ सिंह, बिल्कुल सही अगला क्वेश्चन, इसका नाम रहेगा राजनाथ सिंह। कह रहेगा भैया आप राजनाथ सिंह हैं, कौन है? यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं है। ठीक है राजनाथ सिंह है। ठीक है अभी क्या है? राजनाथ सिंह है। ठीक है और अभी इस ऑप्शन में नहीं है क्योंकि ये जब बनाई थी मैंने पीडीएफ, जब जो है इलेक्शन जो थे मतलब जिनके नाम दिए नहीं गए थे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्राट अकबर के नौ रत्नों में से नहीं है? बिल्कुल राजनाथ सिंह है, बिल्कुल सही रविंद्र जी, आंसर दीजिए कमेंट करिए। आपको बताने नौ रत्नों में से कौन नहीं है, इसमें से आंसर देना है, जो सम्राट अकबर हैं उनके नौ रत्नों में से कौन नहीं है? आंसर दीजिएगा कमेंट करिएगा भाई, क्या रहेगा क्वेश्चन आंसर? चलिए कमेंट करिए आंसर दीजिए, चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे भाई क्या रहेगा। ओके अनुराग जी ऑप्शन वन, ओके मान सिंह, मान सिंह तो भैया नौ रत्न थे, मान सिंह तो बिल्कुल थे। ठीक है बिल्कुल थे भाई, नौ रत्न क्यों नहीं थे? ओके ऑल ऑल हैं, मतलब ऑल हैं। ठीक है मतलब कौन नहीं है यहाँ पर? कोई भी बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल सभी लोग, सभी के सभी हैं। बीवल बिल्कुल नौरत्न में आते हैं, टूटर मल फाइनेंशियल फाइनेंस फाइनेंस मतलब वित्तीय संभालते थे, जो मान सिंह थे उनके सेनापति लगभग मतलब उनके आसपास रहते, सॉरी चार बिल्कुल सही है रवि जी, ओके सॉरी रविंद्र जी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राजस्थान पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आंसर दीजिए कमेंट करिए, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। चलेंगे सभी लोग आंसर बताएंगे, अनुराग जी ऑप्शन फोर था, चलिए आंसर देंगे कमेंट करेंगे। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए, ये एग्जाम में आया था टोडरमल वाला, चलिए आंसर दीजिए कमेंट करिए। आंसर रहेगा इरफान खान, ये भी कुछ देर पहले ही पढ़ा है, ठीक है 10-12 स्लाइड पहले ही। ठीक है ये सारा हमने पढ़ा है, चलिए अब आपको बताना है क्वेश्चन का आया। ओके बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, मंगल की सतह पर उतरने वाला पहला अमेरिकी यान अंतरिक्ष यान कौन सा है? चलेंगे सभी लोग बताएंगे भाई क्या रहेगा क्वेश्चन आंसर। चलिए सभी लोग बताएंगे भाई, मंगल की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष अंतरिक्ष यान कौन सा है? अपोलो आ गया अरविंद जी, बहुत बढ़िया। एनी वन, ओके मानवी ऑप्शन बी आ रहा है, ओके वाइकिंग आ रहा है, वेरी गुड। चलिए यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर टू, वाइकिंग जो रहेगा पहला अंतरिक्ष यान रहेगा। आपसे ये नहीं पूछा है कि अपोलो 11 जो गया था उसमें इंसान थी या नहीं थी, आप इंसान की बात नहीं पूछनी बोली है, यहाँ पर बोला है मंगल पे जाने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान कौन सा था? अपोलो नहीं, यहाँ पर वाइकिंग रहेगा भाई। देखिए अपोलो 11 में जो है, अपोलो 11 में जो कहते हैं नील आर्मस्ट्रांग थे, इनके नाम पर जो बिल्कुल वो फेमस हो गया बहुत ज़्यादा। ठीक है क्योंकि वो पहले इंसान थे वहाँ पर उतरने वाले। ठीक है यहाँ पर ये पूछा गया पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान कौन सा था, तो वो था वाइकिंग फर्स्ट। ठीक है ओके
चलिए इनके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी है तो आप अपने पढ़ सकते हैं इसको। मॉम के बारे में लिखी है भाई। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह पर क्या पाया जाता है? वहाँ पर वायु है, पानी है, वनस्पति या रेगिस्तान है? आंसर दीजिए, कमेंट करिए क्या रहेगा। चंद्रमा की सतह पर क्या है? ऑन द सरफेस ऑफ मून क्या रहता है? चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई क्या होगा क्वेश्चन आंसर। फ्रेंड, अगर आपको अपोलो, अगर ऐसा लग रहा है कि अपोलो है आंसर, तो देखिए एक बार सर्च करिएगा, वो ऑप्शन जो है अपोलो 11 है। अपोलो 11 जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, वो नील आर्मस्ट्रांग जो है पहली बार जो है चंद्रमा की सतह पर पैर रखा था, तो इसलिए वो फेमस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा क्या रहेगा। डिजर्ट आ रहा है, डिजर्ट आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन रहेगा 4, डिजर्ट रहेगा, बिल्कुल सही। चलिए, जहरीली गैस कौन सी, इसमें से जहरीली गैस कहाँ पर पाई जाती है? आंसर देना, कौन से ग्रह पर, किस ग्रह पर जहरीली गैस यानी कि पॉइजन गैस है? चलेंगे आंसर देंगे, कमेंट करेंगे भाई क्या होने वाला है इस क्वेश्चन, सभी लोग आंसर बताएंगे क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए, सभी लोग आंसर बताएंगे भाई क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन स्क्रीन पर, भारती जी 1, वेरी गुड। रविंद जी वीनस आ रहा है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 4 आएगा जुपिटर। बृहस्पति भाई, वीनस आ रहा है, वीनस बोल रहे हैं, मान लीजिए ऑप्शन वीनस बोल रहे हैं यहाँ पर बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जुपिटर आएगा भैया। बृहस्पति क्या रहेगा? बृहस्पति रहेगा सही आंसर, क्या रहेगा भाई? बृहस्पति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आम और पपीते का खाद्य हिस्सा है, खाद्य हिस्सा कौन सा है? आम और पपीते को आप कौन सा भाग कहते हैं? आम और पपीते का कौन सा भाग कहते हैं? आंसर दीजिए, कमेंट करिए। चलिए देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आएगा, चलेंगे आंसर देंगे, कमेंट करेंगे भाई आम और पपीते का कौन सा भाग कहते हैं आप, चलिए आंसर दिए, कमेंट करिए। ओके, अनुराग जी ऑप्शन 2, रविंद जी ऑप्शन 2, वेरी गुड। एनी वन को आंसर कमेंट करेगा भाई, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही है, मध्य फल वित्ती, बिल्कुल सही ऑप्शन 2, बहुत बढ़िया अनुराग जी, रविंद जी बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन है, चारकोल है, चारकोल क्या गैसीय ईंधन है, तरल ईंधन है, ठोस ईंधन है, इसमें से कोई नहीं है? चलिए चारकोल एक्चुअल में क्या है, आंसर देना, कमेंट करना है, चलिए आंसर दीजिए। चलिए आंसर दिए, कमेंट करेंगे भाई सभी लोग। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये सॉलिड फ्यूल है। कैसा है? सॉलिड फ्यूल है। ठीक है, ऑप्शन रहेगा 3, भारती जी बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा अंग एक उत्सर्जन और एक ज्ञानेंद्रिय अंग के रूप में कार्य करता है, यानी कि नर्वस सिस्टम भी है और उत्सर्जन भी है? चलिए रविंद जी बिल्कुल 3 था, अगला क्वेश्चन है आपके पास, चलिए आंसर दिए, कमेंट करिए, देखते हैं किस किसका आंसर है। मात्र 4 स्टूडेंट रह गए हमारे पास, ठीक, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए आंसर दिए, कमेंट करिए। और फ्रेंड, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद आएगी आपको 1:30 बजे वीडियो, वो रहेगी जनरल अवेयरनेस की वीडियो। स्किन स्किन, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलिए स्किन रहेगा, बहुत सही आंसर सभी का। और फ्रेंड, चलिए मुझे बताइएगा वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करिएगा, और शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। फ्रेंड, जिसने भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब किया वीडियो को, सही चैनल को, उसके बाद जो है आपको बेल का आइकन दबाना है। और फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर भी करिएगा। और फ्रेंड, 1:30 बजे आइएगा जरूर, 1:30 बजे जो है आपको जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहेंगे और डेफिनेटली आपको वीडियो अच्छी लगने वाली है। क्योंकि देखिए, खुद थोड़ी बोरिंग लगेगी, मैं ये कहूँगा कि बोरिंग लगेगी, लेकिन बोरिंग क्यों लगती है? क्योंकि फ्रेंड्स, एक्चुअल में क्या है, वो जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन दो रहते हैं, उसमें तीन तीन चार चार जो क्वेश्चन रहता है ना, उसमें तीन तीन मैं लगभग उसके पूरे फैक्ट ले लेता हूँ, एक फैक्ट पूछता हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है, जल्दी से जल्दी हमारे क्वेश्चन काम खत्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए और आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है।